हे गाइस, तो आज फाइनली मैंने अपना थर्ड वाला ऑस्कर ले लिया है और उसको बैकेट बॉन में छोड़ेंगे और फिर आज होपफुली फिशिंग के लिए भी जाएंगे। तो ऑस्कर को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये थर्ड ऑस्कर था हमारे मॉन्स्टर फिश टैंक पे। तो रिस्क नहीं लेते हुए इसको लेके जाएंगे बैकेट बॉन में छोड़ेंगे और जो नया वाला पॉन्ड हमने बनाया है उसको भी आज आप लोग को दिखा देता हूँ और फिर जाएंगे फिशिंग के लिए। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारा ये थर्ड ऑस्कर देखो कितना बड़ा हुआ है। ये मॉन्स्टर फिश टैंक में था इतने दिनों से। दो को तो हमने वैसे बैकेट पॉन्ड में छोड़ दिया, वो तो काफी बड़े हो गए। इसको लेके चलते हैं और सीधा बैकेट पॉन्ड में जाके आपसे मिलता हूँ। चल आ जाओ। ऑस्कर को मिलेगा एक बड़ा जगह, लेकिन यार ऑस्कर तीन हो जाएंगे। ये तो थोड़ा छोटा है फिलहाल ना। आ जा। ओ वाह, वाटर लिली को देख, कितना अच्छा लग रहा है। फूल खिल गया है। मैं एक काम करता हूँ, एक्लिमेट कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद थोड़ी देर के बाद छोड़ देंगे। देखा तो नहीं मिला यार, वहाँ पे वो प्लास्टिक ठीक करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा। और यहाँ पे एक्लिमेट कर देता पहले, इसको रहने देते हैं 15 मिनट के लिए। इसको कहाँ रखेंगे? नहीं, पर अभी तो जगह नहीं है ना, और मिट्टी भी नहीं है, ठीक से ग्रो भी नहीं करेगा। ठीक है, चलो 15 मिनट हो गया है और इसको निकाल देते हैं। अभी दिखाना तो दिखा दिखा दिखा, इधर दिखा। उनसे तो ये छोटा है रे भाई, क्योंकि वो यहाँ पे इतने बड़े हुए हैं ना। लेकिन मस्त कलर है ना, वाह। अभी और बड़ा होगा, चल छोड़ दे। इसको नया जगह मिल रहा है। एनीवेज, हमने खाना भी दे दिया तो अभी ये खा रहा है। हे गाइस, पूरा सुपर एक्साइट होके आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लोकेशन पे आया हूँ, काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ। और यहाँ का जो पानी है आप जस्ट देखना, इतना साफ। वैसे भी हमारे यहाँ पे तो हर जगह का पानी बहुत साफ रहता है। बहुत ही सुंदर लोकेशन है गाइस, देखो बहुत खूबसूरत लोकेशन है। और अभी हम यहाँ पे फिशिंग करने वाले हैं और देखते हैं क्या क्या मछली मिलता है यहाँ पे। एक्चुअली जो स्पेशलिटी है ना वो है बैडिश, उसके बाद आपका जो लोचेस होता है वो, एंड देन बाकी बरीला वगैरह और बहुत अलग अलग टाइप के फिश हमें मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। दीप ज्योति उतर गया है तो चलो दीप ज्योति के पास चलते पहले। क्या सही में आते ही पकड़ना शुरू। वो क्या सुंदर आया रे, ये देख कितना बड़ा है भाई। यस, लेके आ रहा है। एक मिनट पहले मुझे वो दिखा दे फिश, यही है क्या? नहीं, बहुत बड़ा था। तो कौन सा है वो? अलग फिश। लेकिन ये कितना प्यारा है, वाओ। ये उसी टैंक में रखेंगे। ये रहा एक अंदर है। कौन था ये रहा ये एक है। रुको, मैं पानी लेके आ रहा हूं। वाओ यार, क्या कलर है वे। ये नए वाले टैंक में रखेंगे, मतलब नए वाले वो हम पॉन्ड में रखेंगे सेटअप में। बड़ा वाला फिश देख, ये रहा यही है। तो ये कौन सा है? ये तो काफी बड़ा है। ले तो मैं सब डालता हूँ। गाइस देखो यहाँ पे कितने सारे आए हुए, तो इन सबको मैं डाल देता हूँ, ठीक है? मैं आपको ये रिवर दिखाता हूँ। देखो पानी, आप देखो कितना साफ है। और एक्चुअली ना, जब मैं ठंडी के मौसम में आया था, अभी ठंडी का मौसम शुरू हो रहा है, तब बहुत प्लांट्स थे। तो बेसिकली अभी प्लांट्स अभी होने वाले हैं सामने सामने। ये साइड में बहुत प्लांट्स रहते हैं, रिवर प्लांट्स, तो हम कलेक्ट कर पाएंगे। देखो अभी बिल्कुल छोटे छोटे हैं, या फिर तो शायद लोगों ने यहाँ से निकाल दिया रहेगा, क्लीन किया रहेगा इस रिवर को, वो भी हो सकता है। और ये वहाँ पकड़ रहा है, बड़े बड़े मछलियों को देख रहा है, और पानी एकदम कम है, बहुत ही कम पानी है। मुझे एक्चुअली इधर भी जाना है और देखना है कि इधर क्या है। ओ वाह यार, पानी यहाँ पे ना, एक्चुअली जो सैंड है ना, रिवर सैंड, वो भी काफ़ी बढ़िया है। चलो, वो मुझे बुला रहा है गाइस, बोल रहा है कि कितना बड़ा। आ जा देखते हैं, बहुत बड़ा मछली मिला है बोल रहा है। चलो मैं भागता हूँ, मैंने देखते हैं जाकर क्या मछली है वो। बोल रहा है कि बहुत बड़ा मछली है। दीप ज्योति बहुत खुश हो गया, कितना मस्त जगह पे लेके आया मैं। देखो देखा, ये बोल रहा था अलग जगह चलता है, मैंने बोला पहले यहाँ तो चल। ये नीचे में भी है शायद। अरे ये तो रिवर फिश है भाई,
बहुत ही बड़ा पहली बार तेरे को इसमें मिला है। कितना कूद रहा है, इतना ही दिख रहा है देखो ना। एक्चुअली बहुत अच्छा वाला फिश भी था, वो भी तूने छोड़ दिया, निकाल दिया शायद गलती से। यहाँ पे है, हाँ ये रहा, ये रहा, दूध दो अच्छे बढ़िया की मास हो गया यहाँ पे भी है। ओइता हम जाने किंतु तो खन दूर से लम जाए। क्यों वाह, ये पक्का रिवर में इसमें छोड़ सकते हैं पॉन्ड में, मतलब तुम्हारे पॉन्ड में भी छोड़, मतलब कि तेरे बैकयार्ड पॉन्ड में छोड़ते हैं, हमारे बैकयार्ड पॉन्ड के वहाँ पे छोड़ते हैं। हाँ जॉली नहीं है ना, लाफाई वो तो थोड़ा पानी भर देते हैं इसमें, क्या बोलते हैं? दीपचित एकदम पागल हो गया है और फिर से मुझे नहीं दे रहा है। मैं इसको बोला कि दे भाई, बोला कि नहीं मैं ही करूँगा। ठीक है ऐसे भी, ठीक है वैसे भी ये 3-4 दिन और रहने वाला है, पकड़ने दो उसको, दिल खोल के पकड़ने दो। लेकिन ये लोकेशन में ऐसे ऐसे फिश है, वाओ मज़ा आ गया गाइस। ये तो यार मस्त एडिशन है गाइस, पहली बार मिला है हमें, तो प्रोबेबली इनको हम छोड़ेंगे पॉन्ड में या फिर तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। भाई एक चीज़ देखो, ये टेल देख रहे हो आप, ये ऑरेंज कलर का क्या है भाई टेल? ओ वाह, टेल तो सही में ऑरेंज कलर का है इनका, ध्यान से अगर आप देखोगे, वाह कितना प्यारा है, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को सच में। टेल देखो, टेल के नीचे ना एक ऑरेंजिश कलर आ रहा है कुछ, दोनों के और इवन फिन्स में भी है ना, काफ़ी बढ़िया एक्टिव भी है, मस्त है। इधर मैंने इसको ढक दिया है ताकि जंप ना कर ले, इतने कम पानी में फिशिंग करने का मजा ही कुछ और है, और फिश भी आपको मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको फिश नहीं मिलेगा। बैडिश किधर है अभी? आई थिंक अभी इस सीजन में बैडिश का थोड़ा सा मतलब कि मिल नहीं रहा है राइट, और इतना साफ पानी है, बाप रे। यहाँ पे थे, चला आगे चलेंगे, वहाँ पे दोनों को उतरना पड़ेगा। हाय, ये देखो, आजा आजा आजा, कितना प्यारा यार ये एक, देखो आजा, डर क्यों रहा है भाई? फिश देख रहे हम लोग कहाँ पे, उतरना पड़ेगा, मैं उतरता हूँ ठीक है गाइस, फिर आपको बाद में दिखाते हैं वीडियो। कर सकता हूँ यहाँ पे, हमें आना पड़ेगा ना, मैं जाता हूँ, चल आके चलते हैं, आगे चलते हैं, पानी यहाँ ज़्यादा है। यार ये मैं ले रहा हूँ, कितना प्यारा है देख, मैं लेके जाता हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है इसलिए हम लोग उधर ही करेंगे, पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फिश है ना, मैं लेके आता हूँ रुक, एक तो इसको डालते हैं पहले, मुझे लेके जाना है। चलो देखा मैंने बोला था, कितना है रे? यहाँ पे सब आपको सिंगल स्पॉट वाले ये मिलेंगे बार्ब। वाओ कितना प्यारा बरीदा है भाई, जा पानी डालना पड़ेगा यहाँ पे। अरे एक्टिव हूँ, हो गया ना एक्टिव को, ठीक है। वैसे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हमें लोचेस मिल रहे हैं और सब बड़े वाले लोच, ये एक देख अलग ही है थोड़ा सा। वाओ भाई क्या स्ट्राइप्स है, चलो ऐसे काफ़ी सारे मिले, अच्छी बात है, डाल देता हूँ, जाओ भाई। पानी कितना कम है देख रहा हूँ, एकदम कम है, लोचेस तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया है। क्या हुआ? चलो चलते हैं आगे, फिर आगे ट्राई करते हैं। गाइस ये लोकेशन है एक तरफ से जंगल है ठीक है, ये देखो यहाँ से और आगे जा सकते हैं, फिर ये सब पूरा जंगल 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 देख रहे हो, हर तरफ जंगल ही जंगल है देखो।
गाइस नेक्स्ट आप बताना कि आपको किस तरीके की फिशिंग देखना पसंद है, मैं जरूर कोशिश करूंगा आप लोग तो वैसे फिशिंग लाने के लिए, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन पर जरूर लिख के बताना कि आपको किस तरीके की फिशिंग देखना पसंद है। दिखाओ क्या है इस बार, आई थिंक बार भी आ रहेगा ना, वो डाल देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली गाइस यहाँ पे हमने फिशिंग कर ली है, जो भी फिश मिला है वो हम घर पे जाके दिखाएंगे, लेकिन अभी ऑन द वे में देखते हैं कि कुछ और मिलता है कि नहीं। ये लोकेशन हो चुका है या बाद में आएंगे, ऑन द वे में अगर कुछ हमें मिलता है तो वहाँ पे फिशिंग करेंगे, स्टे ट्यून्ड, ठीक है। हे गाइस लोकेशन टू में तो आ चुके हैं, क्या है रबर ना, रबर प्लांटेशन के बीच से होकर हम लोग जा रहे हैं। रबर यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं हम लोग, देखो रबर प्लांटेशन गाइस, अभी हो रहा है कि नहीं, आई थिंक नहीं हो रहा है अभी। बाप रे ये देखो रबर, सही है यार। एनीवेज इधर लोग फिशिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ तो बहुत ही अजीब सा स्मेल आ रहा है रबर का, क्या है यहाँ पे, बाप रे बाप यार, ये तो कुछ अलग ही अल्टीमेट जगह है भाई। माय गॉड यार प्लांट्स देखना, ये क्या प्लांट्स है, क्या रिवर प्लांट्स है, वाह ये प्लांट्स देख, अबे ये तो वो है अमेज़न फ्लोर जैसा लग रहा है, देख पूरा माय गॉड अमेज़न फ्लोर ही लग रहा है पूरा, इतना सारा यहाँ पे लोग क्यों बिछाया, मछली पकड़े क्या बड़े बड़े, क्या बात है लोगों का दिमाग। फिश अभी नहीं होगा ना, लेकिन बड़े फिश जो भी आएंगे यहाँ फंस जाएंगे, लेकिन लोकेशन जो है ना वाव यार बहुत ही बड़ा लोकेशन है, यहाँ पूरा साफ पानी जा रहा है, क्या साफ पानी, नहाने में मजा आएगा, यहाँ बहुत मजा आएगा नहाने में, देख पानी देख, हम यहाँ से आए अंदर, वही तो ये प्लांट्स देखना, अभी तो विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है खेती कर रहे हैं अभी प्लांट्स का, देख पूरा जो भी है मजा आ गया, क्या प्लांट्स है और क्या पानी साफ है, नीचे नहाने का तो अल्टीमेट जगह है, इन लोगों ने ऐसे बिछा के रखा था कि फिश पकड़ पाए। अभी हम लोग चाह रहे हैं, इधर ही रिवर है पीछे जस्ट इसके ऑपोजिट में, वहाँ जाते हैं और वहाँ पे जाके थोड़ी बहुत फिशिंग करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जा रहे सेकंड लोकेशन पर, लेकिन ये सेकंड लोकेशन आएगा कल एज ए पार्ट टू गाइस, देख लेना कल संडे है, कल आ जाएगा ब्लॉग, और हमने सेकंड लोकेशन से क्या क्या यूनिक कलेक्शन लिए है देख पा रहे हो, ये सेकंड लोकेशन का पानी भी देख रहे हो, देखो किस तरीके से हमने यहाँ पे फिशिंग किया हुआ है। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वेट करते रहना, काफ़ी लोचेस मिले और काफ़ी अलग यूनिक कलेक्शन भी मिला है।